हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवमेंट इन ऑल। अभी 11 बज रहे हैं सुबह के और आज फ्राइडे है। और मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले सुबह थोड़ा सा लेट से नींद टूटता है, जैसा कि आप लोगों को बताया है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि कोई रूटीन है नहीं कि बच्चा स्कूल जाएगा या और भी ऑफिस का भी काम ढीला ढाला ही चल रहा है। 3 दिन 4 दिन जाते हैं, फिर 3 4 दिन ऑफ ही रहता है। तो इस तरह से मतलब ना सुबह उठ के योग वगैरह करना होता है, ये सब मेरा छूट गया है। अभी रूटीन में मैं नहीं आई हूँ, तो थोड़ा लेट से उठी तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद टिफ़िन वगैरह इनको देकर इनको मैंने सोचा मैं इनको भेज ही देती हूँ ऑफिस, फिर मैं पूजा में लगूँगी। तो अभी 11 बज रहे हैं, पूरा किचन का खाना वाना बनाया हुआ जो भी था, थोड़ा खाना बचा था उसको रखा और सारा बर्तन वगैरह क्लीन करके गैस वैस सब पोंछ कर मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। अभी मैं नहा कर आई हूँ, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। और मैंने आज ये स्कर्ट और ये टॉप डाला हुआ है। तो पहले मैं किचन आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखें, ये इंडक्शन वगैरह मैंने पूरा धुल दिया है। ये तो रात का दूध था, थोड़ा जो उफन के गिरा था वही था। और ये सब कुछ साफ़ करना है, क्योंकि आज 4 तारीख हो गया और समझ सकते हैं अभी मैंने सामान नहीं लिया है, क्योंकि इनका ऑफ है कल यानी शनिवार को। तो मैं ही जाऊंगी, मुझे दो तरह का काम मार्केट में है। एक तो मुझे ग्रॉसरी का सामान लेना है, ऊपर से मुझे कपड़ा वगैरह भी लाइनिंग वगैरह लेना है बरसात के लिए। और ये तो मैंने धुल दिया है, ये चावल आटा रखने के ड्राम का ढक्कन है, थोड़ा थोड़ा करके मैं धुल रही हूँ। और ये देखिए, मैं जब आऊँगी पूजा करके तो ये आलू फ्राई करूँगी शुद्ध घी में या रिफाइन में, बिल्कुल बिल्कुल क्रंची बनाऊँगी, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और ये धोकर मैंने ये जालीदार वाले बर्तन में रखा है। ये बर्तन जो है, ये आप चना मूंग वगैरह भिंगो कर आप इसमें रख सकते हैं। तो इसको मैंने अभी ढक दिया है और गैस वगैरह पूरा मैंने क्लीन साफ़ कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा सब्जी चावल बचा हुआ है जो कि रखा है। और ये सारा बर्तन A to Z आप देख रहे हैं। मैं पहले ये खिड़की का गेट लगा देती हूँ जिससे कि आपको साफ दिखे। ये देखेंगे, मैंने पूरा बर्तन, मतलब एक भी ऐसा बर्तन नहीं है जो कि जूठा उठा बचा है, सारा कुछ मैंने धुल दिया है। और ये पूजा का बर्तन इधर धोया है, ये पूजा बर्तन धोने का है साबुन, और ये तो किचन का धोने का है। तो पहले सबसे पहले मैं जाऊँगी पूजा करने, पूजा करके आने के बाद ही कुछ करूँगी। और आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, मैं लाल पहन कर करती थी तो मैंने लाल क्यों नहीं पहना है। और अभी तो मैं ट्राईपोड में पहले कैमरा लगाकर दूध को गर्म होने डाल देती हूँ। यहाँ मैं दूध गर्म करने के लिए आ गई हूँ, दूध चढ़ा दूँगी बिल्कुल कम आँच पर और तब तक मेरा पूजा हो जाएगा। 10 मिनट में मेरा हो जाता है कथा पढ़ना। और पूजा का जो है, अभी जहाँ पर भगवान रखती हूँ वहाँ अभी ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं लाल पहन कर क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपनी कुंडली दिखवाई थी, उसमें जो है लाल कलर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए मैंने पहनूँगी लेकिन कम पहनूँगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहनना है, लेकिन जब एक बार मन में कोई चीज़ आ जाता है तो आदमी उससे बचना चाहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं लाल नहीं पहनूंगी। और लाल कलर तो औरत के लिए अच्छा होता ही है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा का जो जहाँ पर मैं भगवान रखी हूँ अस्त व्यस्त आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तो मैं मैके चली गई थी, मैके में भी मैं जितना दिन रही छुत्तक ही छुत्तक चलता था। हम लोगों में ये बहुत गजब होता है कि मतलब अगर कोई एस्पायर करना शुरू करते हैं तो लगातार करने लगते हैं, इसीलिए जिस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा वहाँ की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन अगले ब्लॉग में जब दिखाऊँगी मैं भगवान जी का, तो आपको सजा हुआ मिलेगा, बशर्ते कि कोई विडम्बना ना हो। यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ पूजा करके, नीचे गई थी जल चढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आलू को फ्राई करने आ गई हूँ। एक साइड पर दूध मेरा गर्म हो गया है, मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर मैंने शुद्ध घी डाला हुआ है, उसमें जीरा डाल दिया और यहाँ लाल मिर्च तोड़ कर डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें जब ये पक जाए, तो अच्छे से पकने के बाद इसमें मैं आलू डाल दूँगी और उसको चलाते रहूँगी। इस तरह से कभी भी आप लोग व्रत करिएगा तो बना के देखिएगा, इतना टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी तो वहाँ बनाती है, तो इस तरह जब पूरा ये क्रंची हो जाता है तो उसमें चीनी डाल देती है, तो वो और भी अच्छा लगता है खाने में। अगर आप आलू बॉयल करके बनाएंगे तो वो अलग तरीके का बनता है, अलग अलग तरीके से चीज़ें बनती है, लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। लेकिन कभी ये तरीका ट्राई करके देखिएगा। चूँकि मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैंने लाल मिर्ची डाला हुआ है। और आप लोगों में से कौन चैनल पर पहली बार आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा और इस चैनल पर आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। जब तक वो मेरा भुंजिया बनेगा तब तक मैं ये सारा बर्तन जो धोया हुआ था सबको मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी
और किचन पूरा खाली रहेगा। अब तो खाना बनाने का झंझट नहीं है, दिन भर बस यही, जैसे अभी आलू मैं खा लूँगी और इसके पहले रसगुल्ला खा लूँगी और फिर बादाम मूंगफली वगैरह जो भी होगा खाना है, क्योंकि आज मैंने सोचा है मैं फॉल भी लगाऊंगी। अब देखती हूँ लगा पाती हूँ या नहीं। अचानक से बहुत टेंशन हो जाता है, एक साथ कई सारे काम आ जाते हैं और बाबू पढ़ रहा है हॉल में बैठ के, तो उसको मैं कुछ बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। और मोटापा तो फिर से उसी तरह मोटी हो गई हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मन ही नहीं करता है कुछ योग वगैरह करने का। किसी भी चीज़ में एक बार लगन लग जाने के बाद फिर आदमी उस चीज़ में लगातार प्रयासरत हो जाता है, और छूट जाने के बाद फिर वो चीज़ छूट ही जाता है। तो इसीलिए अभी छूट गया है, लेकिन मैं फिर से शुरुआत करूँगी, क्योंकि शरीर थोड़ा हल्का हो वही सही है। मैंने नापने का, वज़न नापने का मशीन वगैरह सब कुछ घर में ही रखा है। और ये देखिए यहाँ पर मेरा ये आलू का भुंजिया क्रंची, बिल्कुल क्रंची तैयार हो गया है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और इस तरह से आप चाहें तो कुछ मीठे के साथ भी खा सकते हैं, अगर पेड़ा है तो पेड़ा के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, चीनी के साथ भी खा सकते हैं, गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर देखेंगे इतना सुंदर भुजिया बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ये शाम का समय है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं पोछा कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे इतना देर मैंने क्या किया, तो और बहुत सारे काम को निपटाया, बाबू को सुलाया। बाबू तो आज सोया ही नहीं है, क्यों, मैं सुलाने गई थी लेकिन इसके पीछे कारण है, मैं आपको आगे बताऊंगी, पता चल जाएगा। आज तो बहुत बड़ा उसने झमेला खड़ा कर दिया है, आपको मैं आगे बताऊंगी। मैं इसीलिए पोछा कर रही हूँ, मुझे फॉल वगैरह करना है, मैंने सोचा था हॉल में ही सिर्फ कर दूँ, लेकिन जब आप एक काम के लिए उठाइएगा, कोई काम करने के लिए आगे बढ़िएगा, तो आपको लगेगा आप पूरा कर ही देते हैं। हालाँकि ये साफ पूरा था घर, लेकिन सुबह मैंने पूजा के समय उतना नहीं किया था, आगे बस भगवान जी के आगे भर करके छोड़ दिया था। और अब पोछा वगैरह करने के बाद मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है और अब बाल को मैं सुलझाने आई हूँ, क्योंकि सुबह मैंने शैम्पू किया था, कपड़े भी सारे सूख गए हैं। और बाहर में हमेशा काम चलते रहता है, बगल में आप लोगों को मैंने कई बार दिखाया है, तो यहाँ पर मैं अपना बाल वगैरह समेट लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सड़क पर कुछ भीड़ लगी हुई है, बस मैं वही देख रही हूँ, सामने से मेन सड़क दिखता है, इधर भी दिखता है और उधर से भी दिखता है, तो वही मैं देख रही हूँ भीड़ किस चीज़ की लगी हुई है। तो अभी 5 बज गए हैं, आपने देखा मैंने शाम में आज पूछा कि आज चूँकि फ्राइडे है, मैं सवेरे करती हूँ, लेकिन बार बार मैं जो बोलती हूँ सत्य बोलती हूँ, नींद ही नहीं खुलती है, लेट हो जाता है। जल्दी जल्दी मैंने भगवान जी के आगे में पूछा किया और पूजा तो कर लिया, लेकिन अभी मैंने हॉल में पोछा लगाया। हाँ, हॉल में पोछा लगाने का 2 कारण है। पहला कारण तो ये है, आज मैं जिस साड़ी में फॉल लगाऊंगी वो थोड़ा सा हैवी वर्क का है, तो कल वाले साड़ी में तो मैंने सोफा पर बैठकर ही लगा लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे नीचे में उसको बैठा कर सेट करना होगा। और उसमें जो हैवी वर्क आया है नीचे में, तो उसमें कुछ ट्रिक है, मैं दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी साड़ी हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों में से कई लोग किए करते भी होंगे। तो अभी पोछा वोछा करके पूरा मैंने वो जो वैप पोछा था उसको सर्फ पानी में डाल दिया है फूलने के लिए, और बाल वगैरह झाड़ लिया, और यहाँ पर दूध लेकर बैठी हूँ पीने के लिए। हालाँकि गर्मी में तो गर्म चीज़ कुछ पीने का मन नहीं करता है गर्मी में, लेकिन कि फास्टिंग है तो थोड़ा सा, वो आपने देखा था मैंने आलू खाया, रसगुल्ला खाया, 1-2 पेड़ा खाया, थोड़ा सा 1 मुट्ठी मूँगफली, क्योंकि सारा चीज़ गर्मी होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो और पोछा वगैरह भी दे के आई हूँ तो और भी गर्मी लग रही है, तो दूध लेकर बैठी हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये लेकर बैठी हूँ, पैड लेकर बैठी हूँ, इसमें क्या करना है, तो इसमें मुझे लिखना है सामान, क्योंकि कल शनिवार है, एक ही दिन का समय है मेरे पास। कल मुझे ग्रॉसरी का भी सामान लेना है और मुझे वहाँ का भी सामान लेना है, जो फॉल को बरसात का, बरसाती व्रत का, आप लोगों में से कौन कौन इस व्रत को करते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर इनको ग्रॉसरी के लिए भेजूंगी तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा घर में बाबू को लेकर, क्योंकि बाबू को लेकर भी जाऊंगी नहीं। और ये बोलते हैं कि नहीं, एक बार तुम निकलो तो तुम ही सारा काम करते हुए आओ, स्लिप दे देना और वो तो घर पहुंचा देता है, और उधर से तुम अपना काम भी कर लेना। तो कल तो मार्केट जाऊंगी, और अभी मैं सामान लिख लेती हूँ।
किचन का सारा डब्बा वगैरह वो सब भी साफ करना है क्योंकि छूट गया है बहुत दिनों से। मैंने बताया था हर महीना जो साफ करने का नहीं होता उसको नहीं करती हूँ, लेकिन चूंकि अभी एक महीने डेढ़ महीने बाद आई हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक कारण तो मैंने बता दिया हॉल में पोछा करने का, मैं फॉल लगाऊँ। दूसरा कारण यह है कि बाबू हॉल में ही सोएगा और 5 बज गया अभी तक वो सोया नहीं है, मेरे ही पीछे पीछे घूम रहा है क्योंकि आज कल उसने ऐसा कांड किया था। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह मैंने बेडशीट वगैरह लगा कर कूलर लगा कर उसको सुलाया, वो सो तो गया। जब वो सो कर उठा तो वो क्या कटपिट कर रहा था, कभी स्विच मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं जब बाहर से आवाज़ दे रही थी झुम्मू आप कुछ कर रहे हैं क्या, वो कुछ नहीं बोलता था, कटपिट कर रहा था। एक अचानक से उसमें कूलर में आग लगना शुरू हुआ तो चिल्लाना शुरू किया बिट्टू। जब मैं गई तब तक कूलर जल चुका था, शॉर्ट कर गया क्या कर गया, और उसके साथ साथ कई उस रूम का पंखा भी शॉर्ट कर गया। पता नहीं अब बोर्ड में कोई दिक्कत था क्या था, तो पंखा और कूलर उस रूम का दोनों शॉर्ट कर गया, तो हॉल में ही इसको सोना पड़ेगा या तो इस रूम में। तो मैंने हॉल में ही पोछा किया है। अब तो 5:15 बज गया, अब क्या सोएगा, मुझे लग रहा है सब्जी वाले की आवाज़ है। सब्जी आया होगा तो वो भी मुझे लेना है, तो मुझे लगता है सब्जी वाला ही आ गया है। तो चलिए मैं बाद में आपसे मिलती हूँ सब्जी लेकर।